मेकअप करना हो गया नहायत ही आसान इसके लिए मैंने जो ट्रिक यूज़ की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैंने इसमें कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करी है और जो है आ, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी होती है इजीली मेकअप करने के लिए मैं आपसे सब शेयर करूँगी और सबसे बड़ी बात आ, हर वीडियो में मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं रिजनेबल प्राइस की प्रोडक्ट लेके आती हूँ आज मैं आप लोगों के लिए रिजनेबल प्राइस की प्रोडक्ट लेके आई जहाँ मेकअप करते हैं एक प्रोफेशनली मेकअप करने के लिए क्या क्या यूज़ होता है तो चले स्टार्ट करते हैं गाइज मैं हूँ कायन खान उम्मीद करती हूँ आप सबके रोफियात से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गई हूँ आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है Uh, तो चलें स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए तो ये मैंने uh, जो है uh, सबसे पहले इसमें मैक का फाउंडेशन लगाया मैक का फाउंडेशन लगाने के बाद जो है मैंने किस श्राइन की जो है थ्री हंड्रेड एंड टू फिफ्टी का जो है इसका कंसलर है मैंने आइस पर आपने फिर वो लगाना है ठीक है लगाने के बाद जो है आपने जो है सॉकेट एरिया पर हमेशा लाइट कलर से स्टार्ट करना है जब हमने मेकअप स्टार्ट करना है तो आपने बिल्कुल लाइट शेड से स्टार्ट करना है लाइट से ये होता है कि हमारी नॉर्मल आई हो या हॉट आईज हो या किस से, किसी तरीके से आई हो वो जो हमारी आई बिल्कुल खुली खुली नजर आती है आज मैं आप लोग को स्मोकी मेकअप बता रही हूँ स्मोकी मेकअप में आपने बिल्कुल डायरेक्टली ब्लैक कलर नहीं लगाना है अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को सिर्फ ब्लैक शेड नजर आता है ब्लैक आपने नहीं लगाना आपने सबसे पहले ब्राउन लगाना है आपके पास कोई आईब्रो कलर है मेरे पास क्रिस्टाइन का आईब्रो शेड है आईब्रो की शेपिंग भी मैंने इसी से करी है उसके बाद मैंने जो है आईलिट पे ब्राउन कलर लगाया उसके बाद मैंने ब्लैक कलर उसी में ही एड किया है ठीक है ब्लैक कलर के बाद जो है ब्लैक जो हम कलर लगाएंगे जो हमारा सॉकेट एरिया वो हॉडिड आइज़ का हम लोग वहाँ पर मैंने ये आपको ब्राउन कलर जो है हमने गाइडलाइन के लिए छोड़ दिया था क्योंकि अगर हम हॉडिड आइज पे या नॉर्मल आइज पे ऊपर ब्राउन शेड नहीं लगाते हैं तो हमारी जो आइज़ होती हैं वो बिल्कुल खुली खुली नज़र नहीं आती बिल्कुल अच्छा शेप नहीं आता आपने हॉडिड आइज़ में लाजमी ब्राउन शेड इस तरह लगाना है अब आप ये देखें मैंने नीचे ब्लैक कलर लगाया है ऊपर जो है ब्रॉ बोन पर जो है हाईलाइट करने के बाद मैंने सिंपल ब्रश लिया उसमें लाइट सा ब्राउन कलर लगाया और मैं उसका अच्छे से उसको ब्लैंडिंग करनी आप और जो मैंने पूरी आइस पे पहले जो है शिमर लगाया है उसकी मेन वजह यही है कि आप ये देखें जो हमने स्मोकी आइस करी है उसके अंदर से शाइनिंग नजर आ रही है हमने बिल्कुल इस पर शिमरी कुछ भी ग्लीटर वगैरह यूज नहीं किया आपने आइस पे इसी तरीके से पहले आई लगाना है शिमरी ताकि हम लोग जो मेकअप करें वो अच्छे से बिल्कुल इस तरह शिमर और लगा हुआ भी ना हो और उसमें से इनहेंस हो रहा हो अब आप ये देखें लाइनर की ट्रिक यही है कि आपने सेंटर से लाइनर स्टार्ट करना है और इस तरह से विंग निकालने है, थीके, आप लोगों में इंशाल्लाह प्रॉपर आइस पे भी लाइनर लगाना सिखाऊंगी इस मेथड से आप लोगों ने लाइनर लगाना है तो बहुत अच्छा लाइनर लगता है ठीक है आपने इस तरह ये मैंने जो है जो है है लाइनर एक्वा का लगाया है उसके बाद आपने छोटे छोटे स्ट्रोक बनाने और आपको और ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए जो है इसमें अच्छे से ब्लैंडिंग करनी है ठीक है आप लोग ने ब्लैंडिंग बहुत अच्छे से करनी है उसके बाद जो है मैंने बिल्कुल सिंपल ब्रश से बिल्कुल ऊपर ऊपर से इसको अच्छे से ब्लेंडिंग का ब्लैंडिंग मैंने आपको पहले ही बताया आइज़ की मैं ब्लेंडिंग हो या बेस की ब्लेंडिंग हो जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी हमारा मेकअप और ज़्यादा अच्छा लगेगा ठीक है हॉटेड आइज पे आपने ब्राउन और पिंक कलर लाजमी लगाना है ठीक है ताकि हमारा मेकअप बहुत अच्छा लगे और हमारी आइज एकदम खुली खुली लगे ये आप लोग के पास फाइनल लुक है आप इसको देख सकते हैं आप लोग जो है मैंने जो इसका आइज़ मेकअप किया है वो मैंने जो एक ग्लैमर की किट में से किया है ठीक है इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं किया दो तीन चीज़ों से आइज मेकअप हो सकता है आप लोग को सिर्फ जो है प्रॉपर मेकअप आना चाहिए प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेलाइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह फेस